केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। देश में वंदे भारत ट्रेन का स्लीपर वर्जन अगले साल मार्च तक पटरियों पर दौड़ता नजर आ सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 3 अक्टूबर की रात 9:44 पर सोशल मीडिया पर इस ट्रेन के कॉन्सेप्ट की 7 तस्वीरें शेयर की। साथ ही कैप्शन में लिखा, वंदे भारत का स्लीपर वर्जन जल्द ही आ रहा है 2024 की शुरुआत में। वर्ल्ड क्लास फीचर वाले AC2 और AC3 टीचर कोड में लाइटिंग और थर्ड में बर्थ में चढ़ने के लिए 5 स्टेप वाली सीढ़ी भी होगी। संभावना है कि अगले साल 10 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेंगी। देश में अभी चेक कार सुविधाएं वंदे भारत चल रही हैं। आपको बता दें कि ऐसे में यात्रियों को रात में आराम देने के लिए स्लीपर कोच देना काफ़ी ज़रूरी होता है। चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जनरल मैनेजर BG माल्या ने शनिवार 16 सितंबर को बताया कि इसी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 के दौरान वंदे का स्लीपर वर्जन लॉन्च किया जाएगा। साथ ही वंदे मेट्रो भी इसी फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया जा सकता है। माल्या ने बताया कि अभी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन को बनाया जा रहा है और इसे मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही वंदे मेट्रो का भी प्रोडक्शन चल रहा है। 12 कोच की इस ट्रेन को छोटे रूट पर जनवरी से चलाया जा सकता है। माल्या ने बताया कि वंदे भारत का एक नॉन AC ट्रेन वर्जन भी लॉन्च करने की योजना है। इस साल 31 अक्टूबर से पहले इसे लॉन्च किया जाएगा। ये एक नॉन AC पुश पुल ट्रेन होगी जिसमें 22 कोच और इसके दोनों तरफ एक एक लोकोमोटिव यानी इंजन होगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। स्लीपर वंदे भारत को एक कंसोर्टियम यानी 2 कंपनियां मिलाकर बना रही हैं। इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड और रूस का TMH ग्रुप शामिल है। इस कंसोर्टियम ने 200 से 120 स्लीपर वंदे भारत चलाने के लिए सबसे कम बोली लगाई थी। बाकी 80 ट्रेनों की सप्लाई टीटागढ़ वैगन्स और BHEL का कंसोर्टियम करेगा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।